अस्पताल में 3 वर्षीय बालक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान विशेष नवजात शिशु इकाई के समक्ष परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मामला शुक्रवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार मृत बालक टाउन थाना क्षेत्र के बड़की सिंह निवासी जनार्दन सिंह का पुत्र है। बताया जाता है कि उनके जुड़वा पुत्रों में एक की हालत शुक्रवार की रात खराब हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए। इमरजेंसी से बालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बैठे चिकित्सक के पास भेजा गया। चिकित्सक ने बालक की स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दी। इस बीच बालक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हम लोग सब आपके साथ में है। 48 घंटे में अरेस्टिंग नहीं होता है, अगर नहीं अरेस्टिंग होता है तो हम लोग 48 घंटे बाद धो के फिर अदर फर्दर क्या हम लोग करना है उस पर हम लोग करेंगे। और या आप एफ आई आर करेंगे जो रात को जो हमारे एसएनसीयू में एक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार पांडे अपना ड्यूटी 8 बजे से दे रहे थे और 10:30 बजे के करीब एक सीरियस बच्चा 3 साल का आया, जिसको इलाज करने के बाद उन्होंने सुझाव दिया जब आप पटना ले जाइएगा तो बच्चा बच सकता है, काफी सीरियस है। और कुछ देर के बाद संजोग से बच्चा दम तोड़ दिया। उसके आक्रोश में उसके परिजनों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की और चिकित्सक के साथ मेन हैंडलिंग के साथ। देखिए, यह बहुत ही दुखदायी स्थिति है जिसका सामना यहाँ के सारे चिकित्सक कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन कर रहा है। देखिए, मरीज जो है की जान की रक्षा, ठीक होना उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। आप किस स्थिति में डॉक्टर के पास ला रहे हैं। अगर कोई मरीज अंतिम अवस्था में लाया जाता है तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि वो संजीवनी पिला देगा और बच्चा चाहे कोई भी मरीज ठीक हो जाएगा। किसी भी इलाज को कामयाब होने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। रात में ऐसी ही घटना हुई। हमारे डॉक्टर ए के पांडे ड्यूटी पर उपस्थित थे, हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित थे, लेकिन उनके साथ पूरी कोशिश के बावजूद भी वो बच्चा बच नहीं पाया और इसका खामियाजा हमारे चिकित्सक को भुगतना पड़ा और उनके साथ काफ़ी जोर जबरदस्ती की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाई गई, दरवाज़ा तोड़ डाला गया और ऐसा लगा जैसा सुनने में आया है कि डॉक्टर को उन्होंने धमकी दी कि जान से मारने की धमकी भी दी। यह नितांत दम ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हम लोग निरंतर लगे हैं कि अस्पताल की छवि में सुधार हो, यहाँ जनहित में जितने भी जो मरीज आते हैं उन पर विश्वास करके उनकी जान माल की रक्षा की जान की रक्षा की जाए। के हिसाब से मेरी नाइट ड्यूटी 8 बजे से रात से लेकर 8 बजे सुबह तक समय अपने ड्यूटी पर उपस्थित करीब 10:30 बजे एक 3 साल के बच्चे को 20 से 25 वर्ष के लड़कों ने लेके आया, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में था, गैस्पिंग स्टेट में था, जिसको कि टर्मिनल स्टेज बोलते हैं। उसको सब स्थिति बताते हुए और दवा सब लिखते हुए ये समझाते हुए कि काफ़ी गंभीर है, इसको तुरंत आप इमरजेंसी में ले जाएं और जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस का व्यवस्था करके पटना ले जाना उचित होगा। ये सारा कुछ समझाने के बाद ये बता रहा था कि 4-5 दिनों से वो कहीं अन्यत्र अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, यहीं लोकली डॉक्टर लाल क्लिनिक में। उसके बाद फिर वहाँ से नहीं ठीक होने पर गांधी के पास कहीं लोकल क्वैक से दिखा रहा था, तो मैं यहाँ एकदम अंतिम स्थिति में यहाँ हम लोग के पास लेके आया था।
सारी स्थिति आपके सर घटना क्या घटी नहीं हुई कि समझाने के बाद तो लेके गए इमरजेंसी के तरफ, 7-8 मिनट में ही उनके परिजन और हुजूम के साथ लोग जुट गए। मैं बाथरूम में था, उसको भी तोड़ दिया और जगह की जान मार देगा लोग। उस बीच में मैंने सबको खबर किया, अपने सीनियर्स को, सुपरिटेंडेंट महोदय को, सीएस महोदय को, अपने अस्पताल मैनेजर को, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हो पाया। हाँ, वो लोग जो भेजा था पुलिस दल वो जरूर पहुंची परिसर में, लेकिन उन लोगों की उपस्थिति में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मुझे हाथापाई किया और बद्दी बद्दी गालियां दी माँ बहन का, और ये बोला कि जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह फिर उन लोग बाहर ले गए परिजन को, मामला को शांत किए, लेकिन मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ और इस स्थिति में मैं अब आगे काम करने की स्थिति में नहीं हूँ जब तक कि मेरे जान माल का सुरक्षा नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ हूँ। आपका पूरा पर्चा सर जी? पूरा पर्चा डॉक्टर अजय कुमार पांडे, यही सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, एसएनसी चाइल्ड ओपीडी, चाइल्ड इमरजेंसी, सारा कुछ हम लोग को देखना पड़ता है।